अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट और दोस्त आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपको पाकिस्तान के एक मशहूर स्टार फवाद खान की ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम मालूमात फराहम करेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। नाज़रीन तो चले शुरू करते हैं। फवाद खान पाकिस्तान के एक बेहतरीन और सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टर हैं। ये शख्स 1981 में पंजाब के शहर लाहौर में पैदा हुए। 2020 के मुताबिक इन साहब की उम्र 39 साल है। फवाद खान एक्टर होने के साथ साथ मॉडल, प्रोड्यूसर और ज़बरदस्त सिंगर भी रह चुके हैं। फवाद खान का ताल्लुक एक पठान फैमिली से है। उनकी फैमिली इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गई। फवाद खान के फादर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। फवाद खान तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका का रुख किया और बाद में पाकिस्तान की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज से बैचलर की डिग्री हासिल की। इन साहब की हाइट, वेट और बाइसेप्स की लिस्ट आपके सामने है। फवाद खान की एहलिया का नाम सदा फवाद खान है, जो एक फैशन डिजाइनर है। इनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम आयान फवाद और बेटी का नाम एलियान फवाद। इनकी शोहरत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनकी सोशल मीडिया पर 1.4 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिनमें इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पर 0.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज सिंगिंग से किया और इनका पहला गाना 2003 में लॉन्च हुआ। इनके मजीद गानों की लिस्ट आपके सामने है। इन्होंने ड्रामों का आगाज 2001 में शुरू किया और उनका पहला ड्रामा जट एंड बॉन्ड है। इनके मजीद ड्रामों की लिस्ट आपके सामने है, प्लीज मुलाहिजा कीजिए। मैं साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि इनके मशहूर ड्रामों में हम सफर पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा है। यह ड्रामा 2011 में हम टीवी पर नशर हुआ। फवाद खान ने बहुत सी फिल्मों में नुमाया किरदार अदा किया और अपनी शोहरत को आसमान की बुलंदियों तक ले गई। इनकी 5 मशहूर फिल्मों के नाम है। नंबर 5 पर है खूबसूरत, जो 2014 में इंडिया में रिलीज हुई, जिसमें फवाद खान ने हीरो का किरदार अदा किया। नंबर 4 पर है कपूर एंड सन्स, इस फिल्म में फवाद खान, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किरदार अदा किया। नाज़रीन नंबर 3 पर है पाकिस्तानी फिल्म हूँ मैं जहाँ, जो पाकिस्तान सिनेमाओं में 2016 में रिलीज हुई। नंबर 2 पर है बेहद और नाज़रीन नंबर 1 पर है खुदा के लिए, जो 2007 में पाकिस्तान सिनेमा में रिलीज हुई। अब हम आपको ये भी बताते चलें कि फवाद खान कितनी दौलत के मालिक हैं। फवाद खान की नेटवर्थ 1.60 करोड़ पर मुश्तमिल है। नाज़रीन हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।